एक तरफ जहां सावन माह में कांवड़ यात्रियों और शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, वहीं इस वर्ष सावन माह में कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि COVID-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण इस वर्ष कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। सभी मंदिरों पर किसी भी बड़े महापर्व को मनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार ही लोग मंदिरों में पूजा पाठ करें। वहीं मंदिरों में सुरक्षा के संबंध में SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि सभी प्रमुख मंदिरों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसी भी मंदिर परिसर में भीड़ भाड़ नहीं होने दी जा रही है। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराते हुए ही कोई भी कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा भी इस वर्ष स्थगित की गई है। सभी जगह बड़े बड़े महापर्व मंदिरों पर भी प्रतिबंध लगे हैं जिसमें भीड़ भाड़ ना हो, और गाइडलाइन जो है वो लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए भी जो पूजा पाठ हो सकता है वो की जाए, सभी जगह सफाई की व्यवस्था रखी जाए और गाइडलाइन के तहत ही पूजा पाठ हो, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। सभी प्रमुख मंदिरों में पुलिसकर्मी तैनात हैं, और जहाँ तक भीड़ भाड़ का प्रश्न है, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होने दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए और लॉकडाउन नियमों के तहत ही सभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।